हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हम जो यहाँ पर इलाज करते हैं वो हाथों से रिलेटेड करते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो आपने देखी, ब्रेकियल ब्रेक्सिस के, हाथ के, इंजरी के। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आए जिन्होंने कोहनी से रिलेटेड हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे और हमसे इलाज करवाया। तो उन लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर, एल्बो स्टिफनेस ठीक हो सकती है क्या? तो एल्बो स्टिफनेस किसको बोलते हैं? अगर आप मेरा हाथ देखेंगे तो इसको एल्बो कोहनी बोलते हैं। तो स्टिफनेस क्या होता है कि जैसे हाथ पूरा सीधा हो रहा है और ये पूरा हाथ मुड़ रहा है, तो इसको भी हम स्टिफ बोल सकते हैं। लेकिन कब बोलेंगे? जब पेशेंट को इसको हिलाने में कोई दर्द हो रहा हो। एक स्टिफनेस इसको बोलते हैं कि वो पूरा हिला रहा है लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उसको अंदर से कुछ फीलिंग हो रही है कि मुझे कहीं ना कहीं सर करंट सा आता है और सर मैं इसको पूरा हिला नहीं पाता हूँ। तो जब दूसरा आदमी उसको हिला रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि सर मेरी तो एल्बो बिल्कुल ठीक है, पूरी मुड़ रही है, लेकिन सर फिर भी मेरे को जकड़न सी फील होती है, उसको भी स्टिफनेस बोलते हैं। एक दिखने में एल्बो स्टिफनेस होती है जिसको दिखने में क्या बोलते हैं, जैसे पूरा सीधा हो रहा है तो उसका पूरा सीधा नहीं हो रहा, उसका इतना मुड़ा हुआ है। कई लोगों का जैसे पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ से यहीं तक आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज और प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि ये लोगों को जो ऐसा स्टिफनेस होता है वो कोई ऐसे अपने आप नहीं होता, इन लोगों को कोई चोट लगने के कारण होता है। तो वो चोट क्या लगती है? एक्सीडेंट हो गया या सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, गिर गए। और एक्सीडेंट जब होता है तो किसी में हड्डी टूटी हुई होती है, किसी में हड्डी टूटी हुई नहीं होती, जॉइंट टूटा हुआ होता है। कई लोगों का क्या होता है कि सर जब इमरजेंसी में गए तो उन्होंने एक्सरे कराया, एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया था, बाहर हो गया था, जैसे ये और ये पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आगे पीछे हो गए, और फिर सर उन्होंने बेहोश करके या वैसे ही खींचतान करके इसको अपनी जगह ले आए और सर फिर हमको प्लास्टर दिया 6 हफ्ते तक का या 4 हफ्ते तक का, और फिर कहा था इसका मूवमेंट करो। मैंने मूवमेंट किया लेकिन मूवमेंट में सर पहले तो मेरा फुल ऐसा था, लेकिन उस चोट लगने के बाद शुरू में मेरा सिर्फ इतना इतना था, अब इतना इतना आ गया, लेकिन अभी भी मेरा हाथ सिर्फ इतना सीधा नहीं होता है और पूरा मुड़ता नहीं है। तो ये जब प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को तो वो हमसे पूछते हैं, सर हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने फिजियोथेरेपी को दिखाया, हमने एक्सरसाइज भी करी, हमने दवाई भी खाई, हमने ऑपरेशन जब होना था तो ऑपरेशन भी करवाया, सर हमारा ये एल्बो स्टिफ क्यों रह गया? तो ये एल्बो स्टिफ इसलिए रह जाता है क्योंकि ये ठीक होने के लिए सिर्फ ऑपरेशन या एक्सरसाइज ही ध्यान नहीं रखनी होती। इसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इसमें कारण देखते हैं कि जब आपका जॉइंट डिसलोकेट हुआ था तो कौन कौन सी नसें टूटी थी, और अगर वो अपनी जगह आ गया तो एक्सरे में तो नॉर्मल दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नसें होती हैं एक्सपर्ट, जो कि उसको सीधा और मुड़ने में उसको हिलने नहीं देती, और सूजन के कारण वो जैसे ही उनको दर्द होने लगता है तो वो हिलाती नहीं है और उसके कारण उनका कोहनी जाम हो जाती है। लेकिन सबके एक्सरे नॉर्मल होते हैं, कुछ लोगों के एक्सरे एबनॉर्मल होते हैं। उस एबनॉर्मल में क्या होता है कि इन्होंने प्लेट डाली होती है, स्क्रू डाला होता है, तो जिनके प्लेट स्क्रू डली हुई होती है या तो वो लूज हो चुकी होती है या वो टेढ़े होते हैं या फिर स्क्रू जॉइंट के अंदर होते हैं, तो जैसे ही हिलाते हैं उनको दर्द होने लगता है, तो वो कारण होता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि बोन की हड्डियाँ बड़ी वीक होती हैं, तो जैसे ही हिलाते हैं तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि प्लेट लूज ना हो जाए हड्डी को जुड़ने, तो उनको थोड़ा सा लंबा प्लास्टर दे देते हैं, तो उसके कारण जॉइंट स्टिफ हो जाता है। कुछ लोगों क्या होता है कि वो ऑपरेशन तो करा लेते हैं लेकिन उनका जो पेन टॉलरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जब पेशेंट का खुद का टाइम होता है कि डॉक्टर ने तो अपनी मेहनत करके कर दिया लेकिन वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाया दर्द के कारण है किसी भी कारण, तो उनका एल्बो स्टिफनेस हो जाता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि एक्सरे भी अच्छा है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट भी बेटर है, लेकिन उनको सुन्नपन होने लग गया है और उंगलियां टेढ़ी होने लगी हैं, उसके कारण क्या होता है उनकी नसें यहाँ की जाम होने लगी हैं और धीरे धीरे जो फुल मूवमेंट था वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर दोबारा जाम हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस लॉन्ग प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको जो चोट लगी है उसको जो आपने ट्रीटमेंट लिया है वो बेस्ट डॉक्टर से करवाना है या बेस्ट एक्सपर्ट से करवाना है, जो भी आपके लोकल में अगर नहीं है तो आप गूगल के थ्रू जैसे हमारा वीडियो देख रहे ऐसे देख सकते हो। जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर से समझना है कि उन्होंने जो ऑपरेशन किया है उसमें जो सारी हड्डियां थी अपनी जगह बैठ गई, और बैठ गई तो क्या दिक्कतें हैं और हमें उससे दिक्कत से बाहर कैसे आना है, हमें दवाई खानी है कंटिन्यूसली, प्लास्टर मिनिमम रखना है, अगर अच्छा फिक्स है तो रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइज करनी है, खुद भी करनी है, घर पर एक्सरसाइज वाले से भी करानी है। लेकिन इसमें एक गलतियां और होती हैं कि वो सोचते हैं कि ये तो एक्सरसाइज वाले का काम है, हम उसके पास चले जाते हैं और वो अपने आप सीधा करता रहेगा, मुड़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद अपनी फोर्स नहीं लगाओगे और सिर्फ एक्सरसाइज वाला ही ऊपर नीचे कर रहा है और आपके अंदर की पेन टॉलरेंस अच्छी नहीं है, तो चाहे कोई भी आदमी आप ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहला पार्ट, जब भी इसको ठीक करने के लिए, हाँ ये ठीक हो सकती हैं, जो हमारा टॉपिक है एल्बो स्टिफनेस ठीक हो सकती हैं, हाँ ठीक हो सकती हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर इलाज की जो भी जॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह हो, और वो डिपेंड करता है कि कैसी चोट है, वो सीटी स्कैन करा के दिख जाता है। कुछ लोगों का अगर जॉइंट अपनी जगह और हड्डी भी जुड़ रही है, सही टाइम पर जुड़ रही है, तो जब तक जुड़ रही है उसका वेट ना करें और इमीडिएटली मूवमेंट स्टार्ट करें या 2-3 दिन बाद स्टार्ट करें। आपको टांके खुलने और इन्फेक्शन और टच करने का कोई डर लेने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर होता है, जो एक्सपर्ट
होते हैं वो दो तीन दिन बाद ही उसका मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, जिससे उनको स्टिफनेस की कम चांसेस हों। और सूजन कम करने का तरीका क्या होता है, जो दवाई होती है वो लो और उसके कारण आपकी सूजन कम होगी, दर्द कम होगा, मूवमेंट में करने में आसानी होगी। और जब ये दो तीन महीने निकल जाते हैं उसके बाद कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमने सब कुछ कर लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो ठीक हो सकता है, हाँ ठीक हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको इवेल्युएट करते हैं और फिर हम फर्दर जैसा लगता है वो आपको बताते हैं। तो अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो एल्बो स्टिफनेस ठीक हो सकती है, हाँ ठीक हो सकती है। क्यों ठीक हो सकती है, क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, या तो नसों के कारण तो नसों को फ्री कर देते हैं, या फिर जॉइंट की फ्रैक्चर के कारण, जॉइंट फ्रैक्चर तो ठीक हो जाती है, जॉइंट फ्रैक्चर में हड्डी टूट गई और प्लास्टर कम लगाओगे तो ठीक हो सकती है, दवाई के साथ सूजन कम हो सकती है। और जिनके ठीक नहीं हुए, 3-4 महीने 6 महीने हो गए, उनको क्या करना होता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे उसमें कैसे इवैल्यूएट करना होता है। और अगर आपकी परेशानी ऐसी है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस टॉपिक को भी उसके अंदर ले लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो हमें मैसेज करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।